नमस्कार साथियों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं रसायन विज्ञान के। तो हम लोग पिछले लेक्चर में 100 क्वेश्चंस देख चुके थे, ठीक है? याद रखिए, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जनरल साइंस के प्लेलिस्ट सूची में डला हुआ है, ठीक है? चलिए अब 101वां क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, आसवन विधि से। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। जब द्रव्य को गर्म किया जाता है तब वह बाष्प में परिवर्तित होता है। जब बाष्प को ठंडा किया जाता है तब वह पुनः जल में परिवर्तित होता है। ऐसी प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किसी विक्रम से समुद्र से सामान लवण प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना, वाष्पीकरण से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। साधारण ताप पर या गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है, तथा जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब पुनः ठोस में परिवर्तित होता है। ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, नौसादर, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल आदि। क्वेश्चन नंबर 3, 103 या 3, ठीक है? किसी विक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना, प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 4, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण। क्वेश्चन नंबर पांच, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो याद रखना है, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य लवण कौन सा है? सामान्य लवण कौन सा है? तो याद रखना है आपको, सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड। ए ऑप्शन सही है, सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइड साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग छपाई की स्याही, दंत मंजन, चेहरे पर लगाने वाला पाउडर इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। यह पेट की अम्लीयता दूर करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? याद रखिए, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है? ए ऑप्शन है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, जल जब तत्व को दूसरे तत्व में एक तत्व को जब दूसरे तत्व में बदलने का विक्रम क्या कहलाता है? तो याद रखना आपको, तत्वांतरण की क्रिया द्वारा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदल जाता है। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकालते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ऐसी घटनाओं को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसका इसका खोज हेनरी बेकरेल ने 1886 में की। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है? तो याद रखना, 273, ठीक है? क्वथनांक जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट बनता है। फिशर कुकर में जल बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, रोगग्रस्त व्यक्तियों किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन विक्रम में प्रयुक्त परिघटना है? तो परासरण। रोगग्रस्त
वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपभुवन की विक्रम में प्रयुक्त परिघटना पराशर है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों का विसरण, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घोल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। पायस, दूध पायस का उदाहरण है। वेसिकुलाइड, जिसमें परिक्षेपित कर्ण तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों, इसे इमल्जन कहलाते हैं या पायस। वेसिकुलाइड, जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है, जेल कहलाता है, जेली। निलंबन, ऐसा गोल जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10^-5 cm या इससे अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। नदी का गंगा गंदा जल और हवा में धुआं। क्वेश्चन नंबर 14, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। नाइट्रेट, सल्फर, काठ, कोयला, चारकोल। ठीक, बारूद नाइट्रेट सल्फर व काठ कोयला का मिश्रण है। सामान्य बारूद या रोजर बैंकन ने 1242 में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता है। यह पोटेशियम तथा रोडियम नाइट्राइड, चारकोल, सल्फर का 15:3:2 में मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। बेंजोइक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है, याद रखना, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड H3O जल में सीधा से घुलकर H2SO4 बनाता है, इस कारण इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का विक्रम कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है परमाणु। किसी पर पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, इसी की व्याख्या, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता अणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, यह ऐसा कण है जो परमाणु के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 भाग होता है। इस पर इकाई ऋण इकाई आवेश होता है। खोज करता है जेजे थॉमसन। ठीक, प्रोटॉन की बात करें तो यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इस पर इकाई धन आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी खोज करता है गोल्डस्टीन 1886 में, रदरफोर्ड 1911। क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइप्रो का रासायनिक रूप है सोडियम थायोसल्फेट। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कपड़ों पर धोबियों के द्वारा चिन्ह बनाने वाली स्याही में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर भी निशान लगाया जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 22, वृक्षों के समीप या उसके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23, हिंगोल का अशुद्ध अज्क है 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, वैज्ञानिक उपकरण में परावैगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, कपूर का आसानी से शोधन करने का विक्रम है ऊर्ध्वपातन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 29, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण में मिलाया जाता है, कारण से इसके एंटी नॉकिंग दाब को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। पावर एल्कोहल, यह 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग एथाइल एल्कोहल का मिश्रण है जिसे वायुयान में ईंधनों के रूप में प्रयोग होता है। टेट्रा एथिल लेड एक अपस्फोट रोधी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, सर्पशिल एक पेशांतक है। क्वेश्चन नंबर 31, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फैक्टोज में जल अवघटित करने वाला एंजाइम, तो याद रखना इन्वर्टेज। क्वेश्चन नंबर 32, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है क्लोरोक्वीन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है, यौगिक था यूरिया। क्वेश्चन नंबर 34, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है तांबा। क्वेश्चन नंबर 35, संमोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है वार्बिट्यूरिक अम्ल, संमोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक आघात वर्ण धातु है सोना। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, गैस गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं नीला सेल, नीला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38, किंतिम तौर पर गिलो गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक विक्रम को कहते हैं, याद रखिए, फ्रेशर ट्रॉप्स विक्रम। क्वेश्चन नंबर 39, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल के तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 40, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.5, इसकी प्रकृति हल्का क्षारीय होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, एक माइक्रोफोन बराबर होता है 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 44, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में डीएनए का प्रकार है सूत्रकणिका का जीवन जनन जीवात जन। क्वेश्चन नंबर 46, अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको विकार हो, किडनी विकार हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, तारबीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकलता है पाइन, चीड़ भी बोलते हैं, ठीक है जी। 48 क्वेश्चन नंबर, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 49, एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं एमिनो अम्ल के। क्वेश्चन नंबर 50, लार की प्रकृति है
अम्लीय। कैसी है? अम्लीय, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर, लार की अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका पीएच मान होता है 6.8। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है, फलीदार पौधे। क्वेश्चन नंबर याद रखिए, वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु फलीदार पौधे जैसे दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे वस्तु जिनकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। क्वेश्चन नंबर 53, रेत पर पदचिन्हों का ढांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम रेत पर पदचिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री हो, यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, दवा बनाने में, पॉलिश बनाने में होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, इसका उपयोग होता है मूर्तियों के सांचे में, शल्य चिकित्सा में इत्यादि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है, याद रखिए, निन हाइड्रेन विलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, परिशुद्ध एल्कोहल है 200% प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है 0.9%। क्वेश्चन नंबर 57, तरंग और कण दोनों ही एक प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं, इलेक्ट्रॉन। तरंग और कण दोनों ही प्रकृति दर्शाने वाले कण इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बात करें तो यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। खोज है किथिस के जेम्स चैडविक ने 1932 में, और मैसोन इसकी खोज बुकावा ने 1935 में की थी। ठीक है, यह अस्थायी कण है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर में अरक्तता एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, लोहा, आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, रिसरपीन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है, उच्च रक्तदाब घटना के। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में टीके द्वारा दवा लेने के लिए अधि स्तरवक सीरेंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है, इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, हमें के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को 70% ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सामान्यतः व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, अभ्यक का मुख्य उपयोग होता है, तो याद रखना, बिजली उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त तो सस्ता साधन है, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 65, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टैपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है, लोहे ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से साधारणता इस्तेमाल होने वाली वस्तु में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, याद रखिए, तांबा। इस्पात कार्बन एवं लोहा का मिश्रण है, पीतल, तांबा
तांबा जस्ता का मिश्रण है, कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रण है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है, TNT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर में IC चिप निम्नलिखित की बनी होती है, सिलिकन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा नहीं कुछ नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, हीलियम। आर्गन गैस क्रिय गैस है, यह विद्युत बल्ब में फेंक होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है, पीड़ा हर। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर पीड़ा हर के रूप में काम में लाया जाता है। आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस गैस के मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है और आंसू टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं। इसे गिनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, पितिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाया जाने वाला पदार्थ है, पारद वाष्प और आर्गन। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है, याद रखिए बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 76, आद ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, क्लोरोमाइसिटिन। क्वेश्चन नंबर 177, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 78, मानव जाति के लिए ओजोन परत ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 80, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है, पितिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 81, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा सोना लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार है, खेतरी कोलार कुद्देमुख झरिया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 83 क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में, सूती। क्वेश्चन नंबर 84, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है, हरी सब्जियां। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है, याद रखिए बेरिलियम का। क्वेश्चन नंबर 86, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना ऊर्जा पिता, पाचन में मदद करते हैं, औषधि के उपापचय में मदद करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 87, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहोल बनाते हैं, एथिल एल्कोहल। गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहोल का निर्माण होता है, मेथाइल एल्कोहल यह एक विषैल द्रव होता है, इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी हो सकती है। तत्कालीन 188वां क्वेश्चन है, तत्कालीन शक्ति के लिए धावक को दिया जाता है ग्लूकोज, डी ऑप्शन। 89, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाया जाने वाला उर्वरकों में होता है, नाइट्रेट।
क्वेश्चन नंबर 90। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन। क्वेश्चन नंबर 91। रेफ्रिजरेटर में शीतलक का काम करने वाला द्रव है देवीय अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 92। ब्रेड बनाने में गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है। किण्वन के प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन है 192 का। 93। सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनताजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है आयोडीन। आयोडीन सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनताजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। NaCl की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर एवं कमी से लो बीपी होता है। ठीक है, 94। क्वेश्चन नंबर, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 95। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है यकृत लीवर। क्वेश्चन नंबर 96। तेल कुओं में तेल जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं जल तेल गैस, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती हैं क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 98। पीने वाले सोडा होता है प्रकृति से अम्लीय। प्रकृति रूप से अम्लीय पीने वाला सोडा होता है कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा जल तथा जल एवं CO2 के संयोग से जो पदार्थ तैयार होते हैं और कार्बोनिक एसिड कहलाते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी अम्लीयता को कम कर पीने योग्य सोडा वाटर बनाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय लवण मिलाए जाते हैं। यही कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में पेय सोडा वाटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है, तो याद रखना डी ऑप्शन इसमें होगा मिश्र धातु। क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पारद धातु मिश्रण को अम्लगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। संक्रमण तथा अपचय को रोकने वाली औषधि कहलाती है पितिरोधी। संक्रमण अपचय को रोकने वाली औषधि पितिरोधी कहलाती है। एंटीसेप्टिक औषधि सूक्ष्म जीवाणु को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। यह रक्त को दूषित होने से रोकने घाव आदि बनने में विशेष रूप से सहायक है। चलिए थे 200 तक क्वेश्चन, बात करेंगे 201।